वेलकम गाइस, दिस इज द गौतम शर्मा यूट्यूब चैनल। एंड हाँ, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे इस चैनल को। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बाबू, प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन के बारे में। नाउन का आपको डिटेल मिल गया है, नाउन का जैसे केस एक और पढ़ेंगे टॉपिक, जो कि आपको हम प्रोनाउन में पढ़ाएंगे, ठीक है। सो आपको वीडियो के सारे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएंगे यहाँ पर, सारे वीडियो का जो आपका दूसरे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिंक में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए बाबू, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है। प्रोनाउन द वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। हम लोग बाबू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो संज्ञा के बदले जो जिस शब्द का हम लोग उपयोग करते हैं, संज्ञा के बदले जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का उपयोग करें, जैसे देखिए यहां पर है, कि आपका कि द वर्ड विच इज यूज, जैसे देखिए एग्जांपल है आपका, राम इज अ बॉय। तो देखिए कोई भी अगर हम लोग वाक्य का अगर लेख लिखते हैं बाबू, जस्ट लाइक जैसे कोई भी अगर हम लोग निबंध लिखते हैं या इंग्लिश में आपका एसे लिखते हैं, तो बार बार तो एक ही नाम का हम लोग चर्चा नहीं ना कर सकते, इसलिए हमें उनके नाम की जगह पर ही को लाना पड़ता है या सी को लाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आपका सेंटेंस के अनुसार कि आप किसे यूज कीजिएगा। जैसे राम की जगह यहाँ पर हम लोगों ने उपयोग कर लिया ही इज अ बॉय, राम की जगह पर ही इज अ बॉय। तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का हम लोग उपयोग करें उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन बाबू होता है टोटल 10 प्रकार का। सबसे फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच इज यूज प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स, एग्जाम्पल ही इज अ गुड बॉय। जैसे देखिए वैसा प्रोनाउन जो सबसे सिंपल, जो कि कोई भी पर्सन के बदले या कोई भी वस्तु के बदले उपयोग किया जाए, वैसा प्रोनाउन जो एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, कोई भी दूसरे कोई भी पर्सन के बदले या फिर कोई भी थिंग्स के बदले अगर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर जनरली उपयोग किया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके, बस इतने ही होते हैं, आई वी यू ही सी इट दे। नेक्स्ट है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकार वाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन शोज द पोजेशंस और रिलेशन इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन उसको बोलेंगे बाबू, वैसा प्रोनाउन, वैसा सर्वनाम जो एक रिलेशन दर्शाता हो, जो एक रिलेशन दर्शाता हो कोई भी सब्जेक्ट के साथ आपका रिलेशन दर्शाता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, इसमें माइन आपका पोजेसिव। क्या ये माइन मेरा, यह किताब मेरा है, मतलब कि एक दिखा रहा है आपका रिश्ता बता रहा है, आपका एक रिलेशन बता रहा है। तो वर्ड्स कौन कौन है आपको जो रिलेशन बताने वाले, पोजेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स कौन कौन होते हैं, तो माइंड हो गया आपका, आवर्स हो गया, योर हो गया, हिज हर इट्स और देयर्स। फिर आपका थर्ड नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नीज वाचक सर्वनाम। फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन शोज द इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वैसा नीज वाचक सर्वनाम हम लोग उस सर्वनाम के बोलेंगे, वैसा सर्वनाम जो सब्जेक्ट के ऊपर एक क्या दिखला है बाबू, सब्जेक्ट के ऊपर एक इफेक्ट दिखला है, अगर उसको वो प्रोनाउन के अगर हम लोग लिखते हैं तो सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको एक अंतर दिखेगा, सब्जेक्ट पे एक आपको इफेक्ट दिखेगा अलग तरह का, जिसको कि एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आई ड्रेस्ड, आई तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ड्रेस तक भी क्लियर नहीं था, ड्रेस तक भी सिंपल वाक था, माई सेल्फ। जैसे ही माई सेल्फ उपयोगी हुआ, आई के आपका ऊपर इफेक्ट पड़ा कि हाँ मैंने खुद किया है। तो वर्ड्स आपके कौन कौन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम के, जिससे कि सब्जेक्ट के ऊपर आपका इफेक्ट दिखता है, असर दिखता है, सब्जेक्ट में आपको बदलाव दिखेगा। आप एक यहां तक पढ़ के देखिए आई ड्रेस तक, उसके बाद माई सेल्फ पढ़िए, थोड़ा अंतर दिखेगा। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। आपको मैं हट जाता हूं, आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए बाबू, नेक्स्ट आप हम लोग देखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का होता क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अगर पहचान कैसे करेंगे, दिस इज अ बॉय, हमेशा से देखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद, मतलब कि संकेतवाचक सर्वनाम के बाद एक नाउन आपका होगा, एक नाउन आपका गारंटी होगा। जैसे दिस इज अ बॉय, मतलब ये संकेत देता है इस नाउन के बारे में, वैसा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसको बोलेंगे
वैसा सब्जेक्ट यूज होता है इसमें जो कि एक संकेत देता है एक नाउन के बारे में, एक नाउन के बारे में आपको एक संकेत देगा कि हाँ इस नाउन के बारे में इसका खासियत बताएगा। हमेशा से इस चीज का ध्यान रखिएगा। जनरली होता कौन कौन है, देश, डैड, दीज, दोज, इसका उपयोग यह जनरली आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। फिर अगला है आपका, इसका जनरली यही है। इसके बाद हमेशा से एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन गारंटी आएगा उसके उस सेंटेंस में। नेक्स्ट है आपका इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन है क्या? बलवाचक सर्वनाम, मतलब कि प्रोनाउन स्ट्रेसिंग अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द इम्फैटिक प्रोनाउन। मतलब कि बलवाचक सर्वनाम जब देखिए कहां गया आपका, हाँ वैसा प्रोनाउन वो देखिए आपका इम्फैटिक प्रोनाउन। और उसमें जो आपको हम एक और प्रोनाउन का टाइप पढ़ाए थे जिसको हम लोग मतलब कि रिफ्लेक्सिव बोलते थे, ये दोनों आपको लगेंगे थोड़ा मिलता जुलता है, बट दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि जनरली जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि उसमें ना जनरली कर्ता के ऊपर असर होता था, सब्जेक्ट के ऊपर असर होता था उस काम को करने का। जैसे उसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, और इसमें क्या है, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। इसमें क्या है कि आपका एक स्ट्रेस दिखता है सब्जेक्ट के ऊपर, आपको एक असर दिखेगा दोबारा, उसमें इफेक्ट दिखता था, उसमें भी इफेक्ट दिखता था, बट उसमें क्या था, हमेशा से आपको कर्ता के ऊपर ही दिखता था असर, कर्ता के ऊपर वो काम करता खुद कर रहा होता था। बट आपका आपका जब इम्फैटिक होगा तो इम्फैटिक में एक चीज ये होगा कि आपका ना हमेशा से नाउन और प्रोनाउन में जो भी आपका आगे नाउन और प्रोनाउन होगा उसके ऊपर ज्यादा जोर होगा, उसमें भी सब्जेक्ट पर जोर होता था, बस इसके ऊपर कुछ अलग टाइप का जोड़ होगा, सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बाकियों का भी। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हो गए ही हिमसेल्फ सेड सो, ही हिमसेल्फ सेड सो, इसका क्या हो जाएगा, उसने स्वयं खुद ऐसा कहा, उसने खुद ऐसा कहा, हिमसेल्फ सेड सो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपका नीचे वो नंबर दिया हुआ रहेगा। और ये पांच पार्ट हम लोग इस वीडियो में पढ़े, और अब बाकी प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट आपको प्रोनाउन पार्ट टू में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।